फिरोजाबाद में हाथरस माइनर से आए बम में अचानक पानी की धार फूटने से किसानों की आलू की सैकड़ों बीघे फसल जलमग्न हो गई है। किसानों के काफी प्रयास के बाद भी पानी नहीं रोका जा सका। किसानों ने नहर विभाग के जिलाधिकारी सूचना दी, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। गुस्साए ग्रामीणों ने नारेबाजी हंगामा भी किया है। इसके दौरान ही कई जगहों पर किसानों ने फसल पानी के डूब गई है। बम से निकले खेतों में घुसा हाथरस और होते हुए भी एक बम शिकारी गांव के आगे लिया गया। बम्बे के शायद एक ही काफी पानी आता है। बुधवार को रात्रि बम में अचानक पानी आ गया है। से निकलने के लिए पानी की धार आसपास के किसानों ने आलू के खेतों में घुस गई है। देर रात तक देखते हुए भी खेतों में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है। जानकारी होने के किसान मौके पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं प्राइम बेकिंग न्यूज चैनल के लिए संजीव वर्मा की खास रिपोर्ट। खादी फूट गई है, बहुत अधिकारियों को फोन करे तो कोई ना आयो। रात भर को 50 आदमी दो लोग भजे तो गाँव के सारे सलेमपुर राजीवा नगला ढाका नगला सलेमपुर महादेव के नरवई पे आरोप फोन करे बेहू ना आए जाए बेकाउ ना आए तक कोई बुंदा नहीं बहुत बातें जाए। ये साहब ये बम्बा कट गया, खंदी कटिंग हो गई है, जिससे हम लोगों का मतलब जो है सारा मतलब जो फसल नष्ट हो गया है। कितना करीब यहाँ फसल नष्ट हो गई होगी? फसल तो करीब 200-250 बीघा के लगभग होगा। और अभी तक शाम के 7 बजे ये कटिंग हुई है। शाम के 7 बजे से कटिंग होने के उपरांत हम लोगों ने कई जगह फोन भी किए, लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम भगवान दास यादव। तो कौन से गांव है आपका? ये नंगड़ा। तो क्या मामला है पूरा? ये बम्बा कटने से मतलब कटिंग होने से पानी जल भराव हो गया, जमीन की फसल नष्ट हो गई है। तो किसी उच्च अधिकारियों को आपने शिकायत की है? हाँ, शिकायत की है मैंने उनके लिए। तो मौके पर अभी तक कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी नहीं, जो लेखपाल साहब आ गए। अच्छा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या बताया? वो देख रहे हैं, अभी कागज फागज तैयार कर रहे हैं सर, जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं सर, पड़ताल कर रहे हैं, पड़ताल करके उसके बाद पड़ताल करके कागज।